भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप का गोल्ड मेडल जीत लिया है। उसने खिताबी मुकाबले में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। वह टूर्नामेंट के 73 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल खेल रहा था। बेस्ट ऑफ 5 फॉर्मेट के इस मुकाबले को भारत ने 3-0 से अपने नाम किया है। भारत ने सिंगल्स डबल्स के बाद दूसरा सिंगल्स भी अपने नाम कर लिया है। इसमें किंदावी श्रीकांत ने जोनाथन क्रिस्टी को 21-15, 23-21 से हराया है। इससे पहले फाइनल के दूसरे मुकाबले में सिंगल्स जीतने के बाद डबल्स मैच जीता। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की भारतीय जोड़ी ने पहला गेम गंवाया और फिर दूसरा और तीसरा गेम जीत मुकाबला अपने नाम कर लिया। डबल्स के पहले गेम में चिराग शेट्टी और सात्विक को हार मिली। इंडोनेशिया के मोहम्मद अहसन और केविन संजिया की जोड़ी ने गेम को 17 मिनट में 21-18 से अपने नाम किया। वहीं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने दूसरे गेम में वापसी करते हुए मोहम्मद अहसन और केविन संजिया की जोड़ी को 23-21 से हराकर गेम में पहले बराबरी की और उसके बाद तीसरा गेम 21-19 से जीतकर यह मैच अपने नाम कर लिया।